धर्मशाला में तिब्बती महिला एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह दिवस की वर्षगांठ पर तिब्बत के चीनी कब्जों के खिलाफ तिब्बती धर्मशाला की सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तिब्बत के लोगों को गुलामी का दंश झेलते हुए आज कई साल हो गए हैं। आज के दिन चीन के तिब्बत को गुलाम बनाया गया था। आज चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ तिब्बत वुमेन एसोसिएशन ने राष्ट्रीय वुमेन अपराइजिंग डे मनाया। इस दौरान सैकड़ों तिब्बत महिलाएं सड़कों पर उतरी और चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तिब्बत को आजाद करने की मांग की। इस दौरान तिब्बत वुमेन एसोसिएशन के अध्यक्ष डोलमांग योगचेन ने कहा कि तिब्बत में चीन बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मठ और मोनेस्ट्रीज हैं उन्हें नष्ट करने में लगा हुआ है। चीन ने तिब्बत के दूसरे धर्म गुरु पंचेन लामा का अपहरण कर उन्हें बंदी बना रखा है और आज तक भी चीन ने उसके बारे में कोई बात विश्व को नहीं बताई है। उन्होंने पंचेन लामा को रिहा करने की मांग की। डोलमा ने बताया कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार उठाया गया है लेकिन अभी तक भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि चीन तिब्बत के सभी संस्थानों का उपयोग कर तिब्बत में अपना आधिपत्य जमाकर भारत की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान कई विदेशी तिब्बत की आजादी के नारे लगाते नजर आए। आज तो मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर केंद्र से हुआ है और यहाँ का रू क्या है प्रोटेस्ट तो टिबेटन वुमेन्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया और ये तो एक मेरा संगत है और ये 1959 में जब चाइनीज मिलिट्री ने हमारा टिबेट का देश अटैक किया वो टाइम मार्च 2000 मार्च 12 पर वो टिबेटन वुमेन्स लोग ने चाइनीज को प्रोटेस्ट करने का टाइम ज्यादा लोग मार गया। इसलिए जब हम वो 1959 के बाद टिबेट को चाइनीज कॉन्कर किया इन्वेड किया ना वो उस टाइम हम लोग यहाँ इंडिया में रेफ्यूजी की तरफ आया है और चाइनीज को पूछता है क्या और टिबेट में पॉलिसी चाइनीज का पॉलिसी नया नया बनाता है वो टिबेट को सूट करता नहीं है। ये पॉलिसी के नीचे वो टिबेटन लोग को बहुत तकलीफ होता है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं है वो चेंज करना है बोलता है। फिर हम लोग ये वर्ल्ड लीडर्स है यूनाइटेड नेशंस सभी को हम रोज हम मेमोरेंडम भेजता है इसमें हमारा पेंचिन लामा वो बहुत छोटा गुरु है और सेकंड टू दलाई लामा वो जब 6 साल था ना वो टाइम वो किडनैप किया अभी तो वो उसका 28 इयर्स हो गया अभी भी किसी को भी मालूम नहीं है पेंचिन लामा को क्या हुआ और सब कुछ है उसको एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलता है और नहीं और अभी कहाँ है सभी को मालूम नहीं है और टिबेटन लोग ने कोशिश करता है और यूनाइटेड नेशन सभी वर्ल्ड लीडर्स ने कोशिश करता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने का फिर भी इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं वो हम लोग रिक्वेस्ट करता है वो जल्दी हम लोग को मालूम होना है वो न्यूज वाला है फिर दूसरा थिंग अभी चाइनीज लोग ने टिबेट में पहले से ज्यादा टिबेटन मॉनेस्ट्री सब डिस्ट्रॉय किया अभी भी यहाँ एक है दो बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन स्टडी इंस्टीट्यूशन है एक थरुंगा है और दूसरा याचिनगा ये दोनों से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉन्क्स एंड नंस है ना वो सभी वहाँ मॉनेस्ट्री से भेजता है और मॉनेस्ट्री चाइनीज ने डिमोलिश करता है वो स्टॉप का रोज पड़ता है और फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने हमारा ये इन्वायरमेंट और वो ये हमारा टिकट का रिसोर्स है ना सब कुछ वहाँ से ले जाता है वो भी स्टॉक करो वो ऐसा है